Headlines today has accessed the most clinching audio evidence that India's most wanted terrorist, Dawood Ibrahim, is in Pakistan. In just a few minutes, you will hear Dawood Ibrahim in conversation with a business associate in Dubai. This associate is called Javed. In these tapes, Dawood Ibrahim is heard admitting that he has property worth 1,100 crore rupees in Dubai's Sheikh Zayed Road area. Dawood Ibrahim is also heard admitting that he has Benami property running into several hundred crores in Karachi. Let's listen in to the first of these Dawood tapes. वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है. मैं तो यहाँ बैठा हूँ पूरी दुनिया के अंदर से. मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा. कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है. मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है. बिल्कुल सही है. तो इतना इनोसेंट यासिर भी नहीं हो सकता कि यार वो अभी भाई ने आईजी को मना किया तो भाई के पास कैसे पूछूं. ये तो कोई बात ही नहीं है. मैंने उसके अलावा भी मैंने भी आपको तो बताया कि अगर आपको पता है कि एक जगह का सारा सेटअप सारी अम्ब्रेला जिनकी है तो नीचे वालों को कहने नीचे वाले कुछ भी कहें आप ऊपर वाले को फोन करना आपका फर्ज बनता है. वो गलती है कि और आप ऑलरेडी उनसे पहले भी धोखा खा चुके हो डाउनटाउन में भी आपने ये बोला कि मुझे ये बताया गया था. तो इस दफा तो चेक कर लो कि सही है कि नहीं और इन्वेस्टमेंट ऑफर तो कर दो. मैं बाहर जा रहा हूँ घर को तो पहले चेक कर लूँ. तो वो सारी चीज माने यासिर और बोले नहीं ये गलतियां हैं और बोला इसी वजह से मैंने अब जो है इन लोगों के साथ काम नहीं करना है. और यासिर को एक बात बोलना कि भाई मैंने जो गोयनका वाला किस्सा तेरे को सुनाया था वो किस्सा मैंने सुनाया था. इसमें ये किस्से में वो आईजी पे फिट नहीं होता है. वो किस्सा जो होता है वो अपने वालों पे फिट होता है. समझ गया बिल्कुल सही है. अब वो गोयनका वाला किस्सा सुना है पूरा बिल्कुल सही है. ये कह रहा मेरे पास फिट होता है उस Now the Dawood tapes confirm the claims of Indian intelligence agencies that Dawood Ibrahim is indeed in Pakistan, comfortably carrying out his business activities from Karachi. Now tapped by a Western agency through satellite surveillance, the tape positively confirms Dawood's location as the posh Clifton area of Karachi. Can Pakistan still deny that India's enemy number one is still in Pakistan? Can they still remain in denial about Dawood's presence in their country? इनसे फिर गलती होगी कि मैंने पूछा था और आज पूछने में एनालिसिस पे बहुत जमीन आसमान का फर्क था. फिर निकल चुका था जमीन वही वो जो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा यार मैंने बिल्कुल समझ आ गई. मैंने रियलाइज कर लिया गलती थी. वो सिनेरियो कुछ और था, ये सिनेरियो कुछ और. मैं वापस आया मैं और बोला हो सकता है. मैंने इनको रियलाइज कराया बोला हो सकता है वो 27 मिलियन दरम मेरे दिमाग में थे जो मुझको मिलने वाले थे वो भी माना. हाँ तो बेटा ये एक इंटरेस्ट की वजह से तुमने मेरे से झूठ बोला. एक इंटरेस्ट तुम्हारे अपने इंटरेस्ट की वजह से मेरे से गलत बयानी की या छुपाया या उस पर पर्दा रखा. समझ में सर एक मिनट एक एक सेकंड आपसे बात करेंगे. एक हाँ बेटा सलामकुम भाई. वालेकुम सलाम बेटा. नहीं भाई वो इंटरेस्ट की वजह से पर्दा नहीं रखा था. वो तो बाद में डेवलप हुआ था लेकिन जो मेरी इतनी सिंसियरिटी थी कि मैंने आईजी को बोला था कि ये आप 25 मिलियन जो रेस करने का बोल रहे हो ठीक है ये आसपास भाई के घर आप उनसे पूछ लो और ये आप इतना प्रेशर देते हो कि एक हफ्ते बाद पेमेंट है ठीक उनसे आप ये उनको बोलो कि ये शेयर वो ले लें और जिस तरह से कंपनी चल रही है उस तरह से चल रही है. तो ये सबसे पहले मैंने उनको यही बोला. तो उन्होंने तो अभी तुमको है ना जाबिर के सामने ये बताना पड़ेगा. आईजी को आईजी के सामने जाबिर के सामने ये बात कोट करना पड़ेगा जिसमें छोटा नहीं भी होगा कि भाई मैंने पहले इसको बोला था कि तुम भाई से ले लो उसके बदले इसने मेरे से पैसे उधार लिए हैं. समझ में अच्छा एक बात बताओ सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो. पहले 25% जब मैं था देखो अल्लाह की कुदरत 25% पहले जब मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ के 25% रखा वो 25% दूसरे दिन बिक जाता है ठीक है. अब मेरा तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं रहा जी बराबर है. अब माल बचा अभी वाला
अब अरबी वाला तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो लगना है ना। अब तो मैं मुफ्त लेके बैठा तो सबसे पहले मेरे उनको पता है कि भाई की जेब में पैसा भी है और भाई का पैसा हमारी जेब में भी है। ठीक है, बोला खुदा ना खासा दूसरा झूठ बोले उसके बाद में मेरे बाप का चेहरा देखना नहीं पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं इस डर के मारे अपने रिलेशन को नहीं खराब करने के लिए आपको मैं पहले बोल देता हूँ और मैं इस डर के मारे उसको फोन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसको मैं बुलाऊंगा तो उसको समझा देना कि एक तो बोल दिया है और वो मैं उसको इग्नोर भी कर दिया हूँ, लेकिन मेहरबानी करके दूसरी बात ये मेरे को ना कर कोई बात छुपाए नहीं। अच्छा फिर कोई मैं ऐसी बाजार की या मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, मैंने ये नहीं पूछा तुम्हारा खर्चा क्या है, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि भाई तुमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगूंगा ही नहीं जिसमें तुम ना बताओ तो तुम गुनहगार होते हो, तुम्हारे घर की बात है, और ना मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगूंगा। मैं वही इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको फोन करता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, और उस इंटरेस्ट के अंदर अगर तुमने गलत बयानी कर दी तो उसके अंदर मेरे को उसमें फिर इग्नोर करने वाली बात नहीं होती, समझ में। जब मैं तुमको धड़ल्ले से लोगों के सामने ऑन करता हूँ कि यासिर पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, यासिर हमारा है, मेरे को फरहान ने हाजी मजीद के सामने बोला भाई आपने यासिर को बहुत ओवर सपोर्ट किया, मैं बोला उसकी वजह है मेरे पास, उसके बाप से मेरे इतने साल से रिलेशन है, मेरी इतनी इतनी चीजें उसके बाप के नाम पर है और मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैंने एक चिट्ठी भी लिख के नहीं दी है उनको उनसे कि भाई मेरी क्या चीज आपके पास एक, एक, एक राइटिंग में एक लफ्ज नहीं लिखा। यही वजह थी कि डाउनटाउन में जब उन्होंने बोला था कि लिख के लेने की बात, तो इकबाल भाई ने खुद उसको बोला फरहान को कि एक बात बताओ कि भाई से कैसे कोई लिखा के मैं कम से कम हम कैसे लिखा के ले सकते हैं जिनकी हजार करोड़ की चीज हमारे पास है और उन्होंने एक चिट्ठी भी हमारे से नहीं ली है। सही है, तो वो सही ये बात की है तुम्हारे वालिद ने उससे फरहान से, समझ में। It's clear Dawood Ibrahim is in Karachi and is busy legitimizing his underworld money by pumping it into real estate. The Dawood tapes reveal that the man has a flourishing real estate business spread from Karachi to Dubai. What's more, Dawood Ibrahim does not hesitate to threaten people of consequences if deals don't go according to his plans. मुझे पता है वो इरफान भाई की बात कर रहा हूँ, वो तीन बिल्डिंग से तो आपको वास्ता नहीं है ना, पहल के पास तो छह बिल्डिंग है, आठ बिल्डिंग है, फर्स्ट सेकंड फेज और 53 बिल्डिंग है। अब जो है हमारा माल नहीं बेचने का जो है वो अगर प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि फेज वन की जो पांच चेक्स लिए कंडीशनल आईजी ने उनकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है और उन लोगों को कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और वो नॉन कैशेबल चेक्स हैं। हम उन आठ बिल्डिंगों में से वो फ्रंट रो की बिल्डिंग है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, फास्ट जाने वाली है मेरा ख्याल है, तो उनमें से हम एवरेज लाख फुट का माल अगर एक बिल्डिंग में है तो पांच बिल्डिंग ले लेते हैं, और अगर पांच बिल्डिंग नहीं ले तो चार बिल्डिंग ले लेते हैं, कुछ विला ले लेते हैं या विला ज्यादा ले लेते हैं, बिल्डिंग कम ले लेते हैं, तो माल तो इतना है कि हम अपना लेके साइड पे हो सकते हैं, फिर हमको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी होगी, बनानी बनानी है। हम माल लेकर साइट होना चाह रहे हैं, माल और फ्रंट का भी हमको चाहिए, अगर मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस भी करने जाएंगे तो उस तरह से माल हमको चाहिए। पहली बात तो फाइनेंशियल के तौर पे फ्रंट पे इनसे देना है, अगर देना चाहेंगे जो तो फ्रंट लो कुछ पीछे लो कुछ ऐसे लो, यानी सब फ्रंट आप ले लो तो भी व्यवहार के हिसाब से भी वो जिद करेंगे, सारा फ्रंट भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में विला कुछ ले लेंगे जो हमारे रेशो में आता है। बराबर, ठीक है, पैर को कोई इशू नहीं है, आईजी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, जो माल इन्होंने बेचा है ये 75% की कंपनी में उसको उसका कैश फ्लो बना लें, और जो माल हम उठा रहे हैं वो 25 की कंपनी में अलग कर। हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी ओपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट, नहीं समझ में। जी मैं समझ गया, उसमें अपन इनको उनसे ले सकते हैं 20-25%
किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं भाई, जान छूटेगी, तीन साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं, तो 50% आज के कैश अच्छे। उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। जितना नफा देगा उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए, कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं हो। जो नुकसान है वापस वाली कंपनी में डालेंगे 70 का, और ये वाला जो नुकसान है इसमें मिनिमम नुकसान करने के लिए हमारा जो सपोर्ट की जरूरत होगी वो हम आपको देंगे। सर सर ये दो है, हाँ इंशाल्लाह, ये इनका भी यही कहना है कि अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ निकल जाते तो सबकी इज्जत रह जाएगी, समझ में। रहा सवाल, देखो इन्वेस्टर लोग को तो आज की तारीख में खड़े होकर के कल नफा देते हैं तो 20 का उसमें से भी बच सकता है माल, उसके अंदर से भी पैसे बच सकते हैं, समझ में। हाँ बच सकते हैं, वो तो जिसके साथ जो डील हुई उसके बाद जो बचा, हाँ हाँ उसका हम मैनेजमेंट उसको हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे, उसको हम देखेंगे, उसको आप देखेंगे, वो फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अभी इतना बचा है और इतना बचा है तो इतने बचना है कि उसमें हमारे को इनको क्या, इनकी गलतियों का क्या करना है। समझ गया मैं, ये 25% के अलावा, 25% के अलावा वो फिर आईजी इन लोगों से बात होगी, सोतानी और आईजी से, समझ में। मैं समझ गया कि बिल्कुल ये होगा कि 75 हमको मिल रहे और 75 इनकी कंपनी को छूट रहे, मिसाल के तौर, यानी इस रेशो के हिसाब से अगर मिल रहा है तो उसमें हम उससे ज्यादा मिल रहा है तो पेनल्टी लगाएंगे, उससे कम मिल रहा है तो उसमें भी पेनल्टी लगेगी, उससे ज्यादा मिल रहा है तो उसमें शेयर उठाएंगे, वो उठा लेंगे और वो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया। और आप लोग एग्रीमेंट और जो जो बोला है, और इसमें कोई चालाकी हुई किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो।